हाँ जी, क्या पूछना हाँ जी चाहते सर, हैं? मेरा क्वेश्चन है कि अब हमारा एग्ज़ाम का जो चेकिंग का पैटर्न है वो किस तरह से है। ये बीएड की बात कर रहे हो आप या हाँ जी हाँ डिग्री की जी, बात कर बिल्कुल रहे बीएड एमएड दोनों। हो? आप अपनी बात करो, बी एमएड की ओके, फिर करते अभी के लिए हम बीएड की बात कर लेते हैं कि हैं पेपर। नॉर्मली। नहीं, बीएड ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एमएड तो कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। नॉर्मली जो सेंटर में होता है कि एक दिन में 25, एक शिफ्ट में सुबह और शाम में शिफ्ट होती है, सुबह को 25 और शाम को 25 पेपर जो हैं टीचर को मिलते हैं। कि इसलिए ये ओके किया जाता है कि टीचर नॉर्मली बड़ी जल्दी तेज़ी से पेपर चेक कर देते हैं, ठीक। जी, और तेज़ी से होने के कारण जो है कि लगता है कि रियल एवेल्यूएशन नहीं हुई, बच्चे को लगता है मैं तो करके आया था, फेल हो गया, मैंने नहीं किया था, मैं पास हो गया, तो ये फैक्टर हो सकता है। दैट इज़ वाई दो डिवीज़न की जाती हैं। तो दो दो पेपर मिलते हैं। नॉर्मली टीचर्स कम आते हैं जो पेपर चेक करने के लिए, पेपर तो बुलाने पड़ते हैं, आ जाओ भी आओ, इट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो इस मोटिवेशन से अच्छी मोटिवेशन क्या है कि उनको 18-20 रुपये एक पेपर के मिलते हैं, जिनको होता है कि 18-20 रुपये मिलने हैं उसके लिए वो जाते हैं। तो वो एक दिन में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें होते हैं। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है एग्जामिनर नहीं आता तो लगातार दो 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 पेपर भी दे दिया जाते हैं और एक दिन में कर लेते हैं वो, है ना। तो नॉर्मली ये होता है। ओके, तो सर इनका मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया रहता है, या चेकिंग किस मार्क्स हिसाब से होती है इनके आंसर्स की? इनका वो पियाजे की सेकंड स्टेज है ना, जो थर्ड स्टेज में अपीयरेंस के बेस पर जो प्रिंसिपल है कि दिखावट में जो अच्छा है उसको मार्क्स अच्छे मिलते ओके, हैं। दैट मीन्स कि अच्छी हैंडराइटिंग हो गए और हाँ, मैक्सिमम पॉइंट्स। अच्छी हैंडराइटिंग बिल्कुल पहला पॉइंट, जी, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके जो हेडिंग अच्छे दिए गए हैं, आपने जो अंडरलाइन मेन पॉइंट के अंदर कुछ अच्छा था उसको अंडरलाइन किया है, हाइलाइट किया है, पॉइंट्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जिसने लिखे हैं, जी, जिसने सबसे ज़्यादा बैलेंस क्वेश्चन सभी किए हैं और बैलेंस है, ये नहीं है कोई बड़ा कर दिया कोई छोटा कर दिया, तो नॉर्मली ये देखते हैं। हाँ, हैंडराइटिंग दिखावट जो सुंदरता है वो इन्फ्लुएंस करती है। ओके। और सर इसमें मतलब पास और फेल के क्या चांसेस रहते हैं, मतलब पास और फेल का सिंपल फंडा है कि आपने लिखा है तो आप पास हो। ओके, तो लिखा क्योंकि हुआ। पेपर जब चेक होता है तो नॉर्मली अगर किसी ने चेक करना है, पढ़ना है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन का एक दो सेंटेंस जब पॉइंट और जो हेडिंग आपने लिखी है उनको देखा जाता है कि जो पूछा गया है उसके साथ रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो मार्क्स दे दिए जाते हैं। आप हैरान हो गए को मैंने जो एवरेज निकाली है, मैंने सर्वे किया है जो टीचर्स का कि ये कितने टाइम में पेपर चेक होता है, 30 या 36 नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया बाकी चीज़ों के, या आपने बाकी मार्क्स फिल करने हैं, उनकी डिटेल करनी है, बबलिंग करनी है, सिग्नेचर करने हैं, कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन करनी है, किसी शीट पर फिलिंग करनी है, उसको निकाल के जो है जो कई टीचर 1 मिनट में, 1 मिनट में एक पेपर, इट मीन्स 30 पेज को वैल्यूएट कर लेते हैं, मार्क्स दे देते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, लेकिन टीचर के लिए कि मेरा बाकी 3-4-5 मिनट बाकी प्रोसेस को लगते हैं, एक उसके पीछे फिर मुझे 18-20 रुपये मिलेंगे। तो आपके चेकिंग को कितना टाइम मिला? 1 मिनट, ये मिनिमम है। अच्छे टीचर जहाँ जो टीचर ध्यान देते हैं वो 3 मिनट 4 मिनट, कोई कोई होगा जो स्लो चलता है और देखता है, धीरे धीरे पलटता है। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें पेपर सामने रख के आपको बताऊंगा कि पेपर ऐसे चेक होते हैं। तो जब आप देखोगे कि एक या 1 से 5 मिनट में आपके 3 घंटे एवेल्युएट हो गए, तो क्या चेक मतलब होगा? चांस फैक्टर यह है, अगर उसने कोई 15-20 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट से वो पढ़ लिए जिस पे उसका पढ़ नज़र पड़ लिए गई। अगर तो वो पढ़ लिए गलत हैं, बाकी भी सारे पॉइंट फिर देखेंगे गलत हैं, फिर प्रोबेबिलिटी है आपको कितने मार्क्स का, आप अपनी यूनिवर्सिटी का बोलो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। JNDU में तो सर लाइक अगर शॉर्ट पेपर है 1.5 आवर का तो 7 मार्क्स का होता है, तो बड़ा वो होता है 3 आवर्स का 14 मार्क्स का। तो 14 में से अगर आपने लिखा है गलत पॉइंट लिखे हैं, 4 मार्क्स फिर भी आपके नहीं गए। अगर ओके, आपने रेलेवेंट लिख दिया, मान लीजिए 70% आपके ठीक है, 30% आपने गलत लिख दिए, तो उसने तो मोटे मोटे पॉइंट देखे जी, रेलेवेंट है, ठीक है, तो आपको लगभग पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। एक दो पॉइंट गलत भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट आपने लिखना है, कुछ जो पूछा गया है उसके अगेंस्ट आपने उससे रलता मिलता लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ओके।
एक बार मैं कंट्रोलर एग्जामिनर किसी के यूनिवर्सिटी के पास बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि फेल से अगर पास होना हो, किसी को नुक्ता बताना हो तो क्या नुक्ता है वो? तो उन्होंने कहा कि लिख के आए, इट मीन्स आपका पेपर जो चलता है लिख के आप आते हो तो आप मतलब कुछ भी रेलिवेंट हो जाए, लाइक 5 क्वेश्चंस हैं, कुछ भी रेलिवेंसी हो तो दो दो नंबर तो मिनिमम उन्होंने दे ही देने हैं, इससे कम तो क्या नंबर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी फेल पास का जो आप पूछ रहे थे कि फेल है पास है, तो ये टीचर की पर्सनैलिटी पर है। ये सर्वे किया गया कि फॉर एग्जाम्पल आपका 70 मार्क्स का पेपर है, कितने वाला पास है 70 वाले में से? मेरा अबाउट 28 वाला अगर पास है, तो मैंने पूछा कि अगर 20 होंगे, कहते मैं खींच के उसको पास कर देती हूँ। तो मैंने कहा बाकी जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं तो वो कहते सभी पास नहीं करते, कोई ऐसा भी होता है कि 2 मार्क्स कम है तो पास नहीं करते, लेकिन हेड एग्जामिनर जहाँ जो इंचार्ज होता है उसकी ड्यूटी होती है जो मार्जिन पर फेल हो रहा है, ये भी समझ लीजिए, मान लो 28 चाहिए आपके 26 बने हैं, तो वो हेड आके कहता है कि इस बच्चे को पास कर दो। ठीक, कई बार होता है क्योंकि नॉर्मली अगर हेड अटेंड ना करे, सिग्नेचर करके चला जाए, तो बच्चा इग्नोर हो जाए, तो 2 मार्क्स से भी आप फेल हो सकते हो। इट मीन्स नॉर्मली फेल नहीं करते अगर आपने लिखा है। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बैलेंस होना चाहिए आपका। देखो एक स्टूडेंट है जिसने 36 पेज फिल किए हैं, एक ने 30 किए हैं, एक ने 20 किए हैं, आप किसको, जहाँ एग्जामिनर किसको देंगे? आप तो वहाँ नहीं हो, आप आइडियल आंसर नहीं दे सकते। तो जो टीचर देते हैं वो सबसे ज़्यादा जिसने पेज फिल किए हैं, लेकिन इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि मैंने पेज फिल कर दिए, वो खुला खुला कर देता है उसको, वो गलत हो गया। खुला खुला नहीं लिखना, फिल्ड होगा आपका जो कोई आपने स्पेस अधिक नहीं छोड़नी, इंटरलाइन स्पेस इंटरवर्ड स्पेस वो नहीं छोड़नी। तो आप अपनी स्पीड को देखिए, स्पीड को बैलेंस कीजिए कि मेरे से तो 6-6 फिल होते हैं, मेरे से 5-5 फिल होते हैं, 5.5-5 फिल होते हैं, वो आप उतने फिल करती हैं। ओके, है ना। और अगर अपना शॉर्ट पेपर में सर 2.5 पेजेस ही हो तो? नहीं, वो तो आप एवरेज निकालिए ना, तो वो फिर 2.5 सभी को रखिए। ओके, बैलेंस तभी रहेगा। अगर 3 की स्पीड है 3-3 रखिए, 4 की स्पीड है 4-4 रखिए। वो तो फिर पेपर के टाइम पे ही मैनेज कर सकते हैं हम ये चीज़ें। नहीं, आपको प्रीवियस जो पेपर आपने किए हुए हैं वो गाइड नहीं कर रहे थे, मैं क्या करता, मैं कितने टोटल फिल कर सकता हूँ पेजेस, वो तो तब है जब आता नहीं है तब भी कुछ तो रेलेवेंट है ना, तो पेपर का हाँ। सिलेबस पढ़ा है, जिंदगी में देखा है, वो आपके जैसे अगर टेक्निकल क्वेश्चन है वो रह जाता है। तो ये हाँ पूछ रहे हो, टाइम शॉर्टेज है तो लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिस हो जाता है। हाँ, ये 70-80% ये स्टूडेंट्स का होता है। कारण ये है कि शुरू वाले 2 क्वेश्चन जो हैं, शुरू वाले 20% पोर्शन है, उसको आप ओवर टाइम देते हो, उसको टाइम उतना नहीं देना, उसको टाइम देना है कि आपकी स्पीड हैंड थका हुआ है, जहां आपका अभी मसल काम नहीं कर रहे, वो टाइम लेगा, पेपर रीड क्वेश्चन पेपर पढ़ना वो टाइम लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दे देना। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि आपने हर 15 मिनट बाद वॉच को देखना है, हर 15 मिनट बाद देखो। ओके, तो 15 मिनट देखना है, नहीं देखने से अपने आप को कंट्रोल भी करना है कि अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, नेक्स्ट वाले पे आ जाऊं। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें हैं जो डायग्राम इन्फ्लुएंस करती हैं आपके मार्किंग। एक तो डायग्राम जो है क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, उनके एरो किधर जाते हैं, वो सर्कल ऐसे ऐसे बिंगा टेढ़ा ना बनाया हो, है ना, उसके सेंटर में, और डाउनवर्ड आप उसको हेडिंग दो कि क्या डायग्राम है। अगर हमने पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है तो फिर भी डायग्राम देना जरूरी है, अगर हम हेडिंग दे रहे हैं ऑलरेडी? नहीं, वो तो अननेसेसरी नहीं हो जाएगा? देखो ये ह्यूमन नेचर है, आप समझो कि जब मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या कहा कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मैंने कहा प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, जो टीचर पेपर चेक करते हैं, तो कहते दिखने में अच्छा हो, वर्बल भी हो नॉन वर्बल भी हो। अब ये नहीं है कि जिसने वर्बली सारा लिखा है वो डाउन ही जाएगा, आप एक्सेसिव ज़्यादा यूज़ डायग्राम का मत करो, लेकिन कहीं कहीं जहाँ रेलेवेंट है, सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पॉइंट लिखा है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसका डायग्राम
सी फॉलोइंग डायग्राम, आप वो लिख सकते हो कि डायग्राम एक्सप्लेन कर नहीं रहा नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें 10 पॉइंट लिखने हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है उसके फीचर्स हैं, 10 हेडिंग्स देके हमने उसे एक्सप्लेन तो करना ही है ऑलरेडी, तो फिर क्या अलग से हेडिंग का डायग्राम भी देना पड़ेगा कि रहने दें? अलग से हेडिंग का जो वो बना लेते हैं ऐसे, हाँ टेबलर फॉर्म या कुछ, वो तो रेपिटेशन हो गई, रेपिटेशन पॉइंट की नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, नेवर नेवर। आपके पास टाइम तो पहले नहीं है, नहीं डायग्राम एक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल आप आ गया क्वेश्चन आपका कि डिफाइन मोटिवेशन एंड हाउ यू विल मोटिवेट इन क्लासरूम टू स्टूडेंट्स, है ना। तो मोटिवेशन का एक साइकिल है, ये चौक पे ना, तो मोटिवेशन का साइकिल है। मोटिवेशन में अब क्या है कि आपने ये सर्कल बना लिया, मैंने डायग्राम बनाने के लिए होल बनाया ना, तो इसमें लिख दिया मोटिवेशन, मोटिवेशन तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नीड, है ना। नीड के बाद मैंने एक एरो दिया, यहाँ पर ये लिखा ड्राइव, ओके। ड्राइव के बाद यहाँ एरो दिया और ये एरो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ लिख दिया एक्ट, आपने एक्ट किया। मैं समझा नहीं रहा हूँ आप, है ना, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। और एक्ट के किस तरफ जा रहा है जी, मेरा गोल, मैंने गोल लिख दिया, वो गोल से रिलीफ, रिलीफ यहाँ पूरा लिख के फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया नेक्स्ट नीड, क्लियर है कि नहीं। यहाँ मैंने फिगर लिखा और मैंने कहा कि ये रहा साइकिल, साइकिल ऑफ मोटी अच्छा आपका पेज थी आधा आधा पेज फिल हो गया, आपने सब कुछ कह दिया इसमें। दूसरा ये डायग्राम कैसे, ये मोटिवेशन ऐसे ऐसे ऐसे, एरो है कि नहीं है, ऐसे बने होते हैं बड़ी तेजी में, ऐसे नहीं बनाना। यहाँ एस्थेटिक सेंस है, क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट क्लियर है। तीन चार चीज़ें तो होती हैं डायग्राम में कि आपकी वो सर्कल है, स्क्वायर है, लाइन है, तीसरा एरो है, वर्बल सप्लीमेंट वर्ड कौन से यूज़ किया है, तो डायग्राम मीनिंगफुल हो गया। ऐसे डायग्राम को छोड़ना नहीं है जो कंसेप्ट डिमांड करते ही करते हैं। हालांकि अगर आपकी पर्सनैलिटी लर्निंग स्टाइल नॉन वर्बल है तो आप हर वर्बल पॉइंट का डायग्राम बना लोगे, है ना। तो जहाँ डिमांड है वहाँ जरूर दो। ओके और गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं बना सकते फीचर जी, ये डायग्राम जो बनाते हो आप, इसको रब कर दो। जैसे आपने टाइप्स, किसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ डैश, है ना, तो आप ये बताते हो, ये नॉर्मली ये बना सकते हैं डायग्राम, टाइप्स है। अच्छा अगर किसी के सब टाइप्स है ना और उसके सब टाइप है, तो ये ट्री चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न को दूर करता है। यार ये इसका सब पॉइंट नहीं है, ये पहले का सब पॉइंट है, ये ए बी सी हो गया ना, तो ये ए का ए बी आगे है और ये ए बी आगे है, ये ए का बी का ए, क्लैरिटी होती है, बना सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि फीचर्स ऑफ डैश, है ना, ये बना दिए, ये 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 ये, है ना, इसको ऐसे करके ऐसे 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 दे दिया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, डल नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, मीनिंग ही नहीं है इसका, मीनिंग ही नहीं है, वो तो एक्सप्लेन करोगे आप आगे चल के। हाँ नॉर्मली अगर क्वेश्चन नंबर कम है, जैसे 5 क्वेश्चन आपने करने हैं तो ऑर्डर इधर उधर किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना क्या चाहिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो किया हुआ है ना, वो उसकी जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, वो बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हो तो क्लियरली उसका यूनिट, ये रहा यूनिट और उसका क्वेश्चन नंबर क्यों बड़ा करके, ये तीसरा क्वेश्चन है, पता चले उसको कि तीसरा है कर रहा। लेकिन नॉर्मली आपको ऑर्डर में ही चलना चाहिए।
अगर आप थोड़ा फील करते हो तो कर लेना चाहिए, बड़ी बात नहीं है। और कुछ? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू।